अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब की पब्लिक को सलाम, यूट्यूब वाले भाई को सलाम, और कैसे आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल मास्टर की दुनिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से मैं बहुत अच्छा हूँ, और आज मैं आप सबको ज़ियारत करवा रहा हूँ हज़रत हुसैन शाह बावा, जो येरोडा में ये दरगाह शरीफ है। और माशाल्लाह से आज देखो पीराने पीर दस्तगीर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब रब्बानी महबूबी सुबानी गौसे आज़म दस्तगीर का 11वीं का महीना चल रहा है, और इस पाक मौके पर दरगाह शरीफ की तरफ से लंगर और न्याज का इंतज़ाम किया गया है। जश्न गौसी ईद उल मुबारक का प्रोग्राम करने वाले हैं, तो आप सबको भी इंशाल्लाह दरगाह की ज़ियारत में करवाऊंगा। आप लोग ज़रूर मेरा वीडियो देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और आइए आप सब मिलके आप ज़ियारत करते हैं हज़रत हुसैन शाह बावा की, और उनके हिस्ट्री के भी बारे में जानने की थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे अगर कुछ गलती हो, तो मिलता हूँ आगे की व्लॉग में। गलती के लिए दुआ में याद रखो, अल्लाह भीख मिले, आका भीख मिले, आका भीख।
जवान भी काम करती है, पुलिस के भी काम करते हैं और नगर निगम भी काम करते हैं। साथ ही साथ हम भी जिला जो मानवान मुझे दरगाह शरीफ के कारण से है, बाबा के कारण से है, शायद कुछ लोगों को यहाँ पर मान होगा नहीं मान होगा, तो आप इस कारण से पूछना चाहेंगे इन शाह मालूम मुताबिक वो मैं आपको बताऊँगी। शायद तो आप हमें हजरत के बारे में बताइए, वो कहाँ से आए, कब भी दरगाह बनी, कहाँ से सिलसिला शुरू हुआ? हजरत के तालुक से मुझे जो मतलब मालूम हुआ है, आप अलीगढ़ के रहने वाले यूपी के रहने वाले और उनके अलीगढ़ से मतलब जो महाराष्ट्र में आना हुआ उस तालुक से मतलब दो किस्म की रिवायत है। एक मुझे ये पता चला कि आप जवान में पुलिस थे, पुलिस हाँ पुलिस थे और पुलिस की नौकरी छोड़ करके फिर आप मुंबई भाग के आए और हजरत की भतीजी थी खपोली, दो तीन साल से मतलब उसमें नहीं काफ़ी उम्र थी उनकी, वो जब आती थी मैं वो मुझे मतलब अपने गोद में सर लेकर मतलब बैठी थी, वो मुझे ये पता चला उन्होंने कि मामा जो है छोटे से मतलब मजदूर से बन थी, उनकी कोई पुलिस में नौकरी वगैरह नहीं थी और बाबा के कहने गाय थी, गाय गाय तो गाय थी तो मतलब गाय मतलब गाय का दूध दोना और गाय की खिदमत करना फिर दूध मतलब ले जाके घर वालों को मिला जाना मिला उनकी मुश्किल आ, लेकिन कुछ मजबूरी की वजह से गाय जो है वो वाले साथ बेच दी
अंदर इस तरीके से आप यहाँ पर रहने लगे और फिर आपके चाहने वाले बम्बई से पुणे से नगर से मतलब लोग मन को आपसे रब्ता करने लगे, आपके खुश वर्जन आपकी ज़िंदगी में हासिल करने के लिए आते। इस तरीके से आप मशहूर होते गए। फिर कुछ सालों के बाद जब आपका विशाल हो गया, आपके यहाँ जो बड़ा आस्थाना है हज़रत हुसैन शबाब रहमतुल्लाह अलैह का है और उसके बाद बाजू में दूसरा आस्थाना है, उसके अंदर दो मज़ार आते हैं, आपके दो खुददार थे, का नाम हज़रत हाजी शबाब रहमतुल्लाह अलैह, दूसरे का नाम हज़रत मिश्री शबाब रहमतुल्लाह अलैह। ये दोनों मतलब खिदमत कर क्या करते थे आपका। और मज़े की बात यह है कि हज़रत हुसैन शबाब रहमतुल्लाह अलैह की शादी नहीं हुई, आपकी दावत है और वो दोनों साहब की दावत है, उनकी शादियाँ नहीं हुई, तो वो उन्होंने पूरी ज़िंदगी जो हज़रत खिदमत के अंदर गुजार दिए, उन दोनों खालिफों के मज़ार उसमें बनाया गया। उसके बाद जिसमें किस तरीके से आगे आगे तरक्की होती गई बस्ती में, फिर बड़ी मस्जिद बनाई गई, उस मस्जिद नौसी दी गई और बाबा के जो आस्थाना है ये खबरें कहता है खबरें क्या मस्जिद उसको लकड़े को जो खबरें लग जाता है और दीवार थी मतलब ईंटों के लिए इतनी मजबूत नहीं थी, काफ़ी सालों तक